भाई यहाँ कोई तो है भाई। भाई मैं तो कैमरा ऑन रखूँगा, कल को कुछ भी होता है प्लीज ये ब्लॉग देख लेना। प्रे सब चीज भाई कुछ ना कुछ रिलेट करती है, जो फालतू फंडी भाई जो होएगा फिर तुम्हारी रिस्क है। मैंने तो तुम्हें दिखा दिया बता दिया, आए थे बड़े बड़े यूट्यूबर, उनने आके उल्ट उल्ट बोला था, उनकी गैल उल्टे लग गए थे कुछ दिन। अरे यार उसकी बात भी तो हो दो, उसके नाम है डी राम, देखिए तो उसके इंजेक्शन लगवा के लाया था मैं, और हाथ दबा दिया तो सोता सोते का हाथ दबा दिया, जबकि यहाँ कोई नहीं है। यहाँ करी थी हम होटल पे रुके थे और जस्ट ऊपर से अभी नीचे आया भाई, कोई हमारी गाड़ी में स्क्रैच क्रूच मार गया, यहाँ पे भी मार रखे हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भाई कोई स्टिकर को देख के गाड़ी को नुकसान करके गया। और जो हाथ आ गया ना आज बढ़िया मारेंगे उसको, ख़त्म सा कर देंगे यार, पहले बता दी भाई। भैया कोई तो है भाई। नीचे देख लिया ये तो सेंसर करना पड़ेगा भाई। सेफ लव भाई, यहाँ पे सुसाइड बहुत करते हैं लोग, मरा होगा कोई भाई। वो आवाज़ें बंद हो गई हर पे, चले उस साइड चले, आ गई कोई दिक्कत नहीं भाई। पहले तो जब अंडरग्राउंड हुआ गया भाई, ये इनका ऑफिस होए करता, माइंस का ऑफिस होए करता ये वाला। ये ऑफिस था? हाँ ये भी ऑफिस था, हाँ ऑफिस, हाँ ये किचन है, हाँ यहाँ पे मीटिंग करते थे वो लोग कि क्या माइन में करना है, क्या कितना पैसा लेना है। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, अरे तो गया था पाड़े नहीं होंगे भाई उस टाइम पे, बिजली वापस नीचे देखता भाई, हाँ बिजली हुई करती उस टाइम भाई। मैं तो कैमरा ऑन रखूँगा, कल को कुछ भी होता है प्लीज़ ये ब्लॉग देख लेना, मतलब पूरी दुनिया ने अपनी राम कथा लिख रखी है। अब यो ना पता के लिखो है ये लिखो, हाँ लिखो दुनिया, मतलब यहाँ कुछ कुछ लिख के जाती है, अर्श लव आरसी प्रिंस लव रिया, वही तो मडी स्कूबी भाई देख लो, तुम्हारे लिए इतना रिस्क लेके बना दिया हमने वीडियो, रिस्क है कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी कुछ है, एक ऑफिस वो भी है शायद, आराम से मिले मुझे हमेशा तेरे साथ रहना है। हाँ सही कह रहा है भाई, वो तो ठीक है पीछे भी है, पीछे तो हमने ना देखो पीछे जा रहा है, पीछे नहीं गया। किस आर्टिस्ट है नहीं खूब भाई गलत आर्ट है, इतनी ऊपर फैमिली कंटेंट है, नहीं तो मैं दिखा देता तुम्हें, सबके घर वाले देखते हैं भाई। इसके अंदर जाने का मन हो रहा है, कुछ तो है इसमें छन छन। ओए पारस ये भाई वॉशरूम, ये इनका वॉशरूम होगा ऊपर ले फ्लोर का, ये रूम है भाई, इसमें छत उड़ गई, हाँ इसमें तो छत उड़ रखी है,
कंपन से उड़ गए होगे, यहाँ से तुम्हें माइंस दिख जाएंगी। और ऊपर आ जाओ, इधर इधर आ, इससे भी ऊपर है। पिछली बार ना आया था तू, पिछली बार पिछली बार तो खुद डरा हुआ था ना। ये था, इसने मेरे को मोटिवेशन दी थी आने के लिए। रात को पट्टी पटा रहा था मेरे को, विपुल भाई माइंस में चलेंगे ये वो, फिर मैं मोटिवेट हुआ माइंस के लिए रेडी। कुछ गलत करो मत, तुम्हारे साथ कुछ होगा। हाँ भाई यही चीजें बताई थी इसलिए मैंने मान गया, आ गया। दे बादल भी हट गए, बादल हट गए यार। ये है गे वहां था, बादल आ गया बहुत ज्यादा। और वोरी सिटी हमदे वाला सिटी जाने, हां वो रास्ता है ट्रैकिंग जाने। चले नहीं भाई, बहुत दूर लंबी ट्रैकिंग है भाई, नीचे वाली साइड और एक्सप्लोर करके आते हैं, वो दूसरा घर है क्योंकि अभी इतना कर लिया। बस यहां की कुछ गाली वाली मत देना, उल्टा सीधा मत बोलना। हमारे भाइयों के साथ भी हो रखा और हमें साथ भी हो रखा है, तो कुछ यूँ बोलो हम ये कर दे वो कर दे, बहादुरी में कुछ नहीं है। मतलब कई जो नशे की चोट आती है ना भाई, उनके लिए है बात कि कभी तुम वैसे भी कोई हवा बाजी में ना बोले भाई, कोई हवा ड्रोन उड़ा रहा है, परेशान कर दिया इसने। बाकी यहाँ भी वही सेम आवाज आ रही है, वो ड्रोन उड़ा रहा है ना, पानी की आवाज सेम ना आ रही है। देखियो कैमरा उस साइड माइक कैप्चर कर रहा है। भाई अंदर भी कोई भी ना जावे, वो ना देखा कितना घना यूट्यूबर खड़ा ऊपर। हाँ वे भी नहीं आया भाई, नहीं आया, ड्रोन उड़ा तुम्हारे लिए आया, बस मैं अकेला। प्रे प्रे सब चीज भाई कुछ ना कुछ रिलेट करती है, जो फालतू फंड की लिख रखे हैं उनकी नहीं कह रहा भाई, इनके बीच में कुछ उल्ट सुल्ट भी लिख रखा है, तो ना तो तुम पढ़ो ना उन चीज़ों को टच करो भाई, जो होएगा फिर तुम्हारी रिस्क है। मैंने तो तुम्हें दिखा दिया, बता दिया ना, तो यहाँ किसी भूत को गाली दो भाई, यहाँ की कोई चीज़ छेड़ो मत। हाँ मतलब आ रहे हो ना सिर्फ अपने इंजॉय पर्पज से आओ, किसी दूसरे को कुछ मत कहो। अभी रास्ता नीचे जाओ माइंड में, अब नीचे जाना, नीचे नहीं जा रहे यार माइंस, अभी बारिश हो रखी है ना, तो भी है फिर भाई 3-4 घंटा लगेगा। हाँ वही बात है, इसलिए नहीं जा रहे नीचे। चलो आ जाओ, चलते हैं तुम्हें सारी चीज। ओए पर खड़ा डरा दिया। हाँ भाई तुम्हें सब चीज का बता दिया, जो जो रिस्ट्रिक्शन थी। और भाई यहाँ लाइट लुइट भी ना है? लाइट नहीं है भाई, अपने फोन वोन है ना, गाड़ी गुड़ी में चार्ज करके आना, चाहे जहाँ से होटल से आ रहे हो वहाँ से चार्ज करके लाना। नेटवर्क तो फिर भी गिरते पड़ते से मिल जाएंगे, पर लाइट नहीं है यहाँ पे किसी प्रकार की भी, जो करना पड़ेगा बोन फायर के उसमें करना पड़ेगा। बोन फायर के लिए लकड़ी भी लेके आना, वो लकड़ी यहाँ बहुत महंगी मिलती है, अपने साथ लेके आओगे बेस्ट रहेगा। बट अभी फिलहाल अब नहीं है कोई यहाँ पे, अब तो फिलहाल अभी फिलहाल बोन फायर के लकड़ी भी नहीं मिल रही है। हाँ क्योंकि कैंप वाला चला गया ना, वो कैंप वाला भाई था उसने करवाया था। कुछ क्लिप्स अगर मेरे पास होंगी पिछले से उस साल की, तो मैं तुम्हें इसमें ऐड कर दूँ। 2-2.5 साल हो गए। हाँ 2-2.5 साल हो गए, लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है, तो पहले लॉकडाउन खुल हो गया। हाँ उसी टाइम आ गए थे हम, भटभटाए डोल रहे थे घूमने के लिए, इसलिए बग देनी आ गए हम यहाँ पे भाई। तेरा पेपर था और तू सुधरा शरीफ अच्छा बच्चा था, तो अब भी हूँ। अभी तो थोड़ा नोटी हो गया ना। अभी व्यू अच्छा है भाई, देखने लायक है, दिन में आओगे तो व्यू दिखाओ दुनिया के व्यू दिखाओ। देखने लायक व्यू है, प्यारा बिल्कुल। YouTube हैंग कर देगा तू तो। हैंग ना, YouTube भी डाउन करा देगा। हाँ 3-4 दिन में। बाकी वे भी आए थे, क्या नाम है, 2-4 आए थे बड़े बड़े यूट्यूबर, उनने आके उल्ट सुल्ट बोला था, उनकी गैल उल्टे लग गए थे कुछ दिन। अरे यार उसकी भाई बात भी तो हो, उसके नाम है डी राम तो किए थे, उसके इंजेक्शन लगवा के लाया था मैं, और हाथ दबा दिया तो सोते का हाथ दबा दिया, जबकि यहाँ कोई नहीं है। यहाँ करी थी कैंपिंग, यहाँ हमने कैंपिंग करी थी, ये स्पॉट है। अगर तुम्हारे साथ फिजिकली कुछ नहीं होगा ना, तो जिंदगी के उल्टे लग जाएंगे, ये बात है बस। अगर तुम उल्ट सुल्ट करते हो तो यहाँ तो सेफ रहो, मौज करो, ऐश करो, ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बिल्कुल छोड़ के जाना, ठीक है भाई। गर्मी में थक गए और तुम्हें पूरी लंबीदार माइंस दिखाई दी, फिलहाल भाई के यहाँ से मैगी वैगी खा लेते हैं। अरे अर्पित का पालतू पेट लाडला भाई, लाडला भाई
अब मैगी खा के सीधे निकलते हैं यहाँ से देहरादून। यार ट्रिप पे ना कुत्ता गेल फोटो है यार। हाँ। एक गेल खींचो भाई पारस। और यहाँ से निकलते हैं हम सीधे देहरादून, देखते हैं देहरादून में क्या सीन रहेगा। ये लोग भाई यार तो ये कह रहे हैं बार बार वो वैसे में कुछ खाते हैं कैफे वगैरह में। ठीक है अभी भी टाइम है, हम तो कैब पिक करके गए थे हमारी ही लेगा तू हमारी ओड करेंगे ये वाला आगे मत जाना। माइन देख अब दिख रही है, अब दिख रही है माइन तेरे पीछे। हाँ ये है माइन गाइस, देख लो माइन देख लो, और फिर एक बार जूम मार दियो माइन से। परस यस देखियो देख रहा हो गया अब हो गया क्लियर हो गया। अरे टावल कहाँ है टावल निकल दे भाई हम वहां से क्या बोलते हैं लंबी दार माइन से फोटो वगैरह खिंचवाते, सबने कपड़े चेंज कर लिए भाई। व्यू दिखा इसको छोड़ दे, बाकी अब तुम्हें व्यू दिखाता हूँ प्रॉपर हम बादलों पे। अब दोबारे से ये तो कुछ लद्दाख का सा रोड लग रहा है क्योंकि ये बजरी रोडी का पहाड़ और ऐसे ऐसे फ्लैग लद्दाख की जगह लगी है। फॉग देख फॉग या बादल कुछ भी समझ लो, देखो पीछे का कुछ नहीं दिख रहा, आगे का भी बहुत कम दिख रहा है भाई, आगे का भी बहुत कम दिख रहा है। अपनी ये गाड़ी वो आ रही है दिख रही होगी वो रही। अब हम जा रहे हैं सीधे देहरादून, फिर वहाँ पे रूम वगैरह देखते हैं या नहीं देखते तो देखते हैं। क्या क्या देखेंगे भाई भाई देहरादून सब कुछ देखेंगे, देहरादून में आज स्टे करेंगे फिर कल का कल वाले व्लॉग में पता चलेगा। यस कल का कल स्टे ट्यून बस देखो। अब प्रॉपर बादल और ये अपनी दूसरी गाड़ी क्या कहना चाहोगे अर्पित भाई मजा आ रहे हैं भाई। अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अब एकदम से इतने ज्यादा बादल आ गए। लंबी देर माइंस था आया और अब बादल होगा भाई, और वहाँ भी देख सो ना तब हम नीचे था तब बादल आ रहा था ऊपर आया बादल। हाँ गाड़ा आ रहा है भाई, यहाँ कम हो गए भाई बिल्कुल भाई। अब यहाँ पे बिल्कुल भी बादल नहीं है, बिल्कुल बादल आ रहा है। थोड़ी देर में फिर नीचे, अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे ना फिर आएंगे बादल। अब ऐसा ही चल रहा है भाई, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, मस्त व्यू आ रहा है प्यारा प्यारा। देखो तुम अपने घर बैठे हो फिर मैं तुमको आ रहा हूँ दिखा दिखा के, तो इसी बात पे लाइक करो। गाइस लैंडस्लाइड हो चुकी है यहाँ पे देखो, और भाई बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड हुई। हमने अभी अभी जस्ट हमारी गाड़ी पीछे थी जब ही हुई है, जेसीबी वगैरह आई है लैंडस्लाइड सही करने। हाँ वो रोड सही करने आई है, रास्ता साफ करने, बट कोई नहीं हमको क्या है, हम तो निकलेंगे सीधे प्लेन रोड पे अपने राह पे सीधे सीधे। हम वहाँ से आए देखो सनरूफ में निकाल कर दिखाता हूँ, उतनी ऊपर से हम यहाँ आए हैं नीचे, वो पहाड़ पे से ही आए हैं। बहुत स्ट्रगल लगा पर अभी तो और जाना है हमको, और विपुल का चैनल चला के मानेंगे, हम चैनल चला के मानेंगे भाई। सारे भाई सब सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल। ये क्या लेके घूम रहा है भाई? भाई कुछ नहीं, वो देना पड़ता है सबको इंस्ट्रक्शन। अच्छा अच्छा कि रोड पे साइड वाइड हो जाओ गाड़ी आ रही है। आपको पता है नैरो रोड है, नैरो रोड है, नैरो रोड है, इंग्लिश में किस साला नैरो भाई। हां नैरो भाई सही कह रहा है, सही बोला तू। ओए होए खड्डे भाई, जो उस रास्ते से भी हम जा रहे हैं ये है आस्की अड्डा।
यहाँ पे रोडों पे लड़कियां बैठी रहती है, वो लड़के और लड़कियां बैठी रहती है, दारू पीते हैं, तो ये बहुत गंदा रोड है। YouTube विपुल जैन, YouTube विपुल जैन सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तुमसे मैं दिखाता हूँ, अभी रोड पे दिखेंगे तुमको लोग बैठे हुए दारू वारू पीते हैं यहाँ पे, ऐसा रास्ता है निकल गया जो एक्चुअल बात है। देखो हम तो वो बताते हैं इस व्लॉग में, लोग और लोगों की तरह चुपत नहीं है कुछ भी। ओए भाई पारस की ड्राइविंग चेक कर लो भाई, एक नंबर चला रहा है, स्वाद आ रहे हैं कसम से। पारस द ग्रेट ड्राइवर से निकलने के, पारस को फास्ट एंड फ्यूरियस में भेजेंगे भाई साहब अब हम। पारस जी ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे आप? ऑडियंस से कुछ कहना चाहोगे? सो के ये मेरा है, पहाड़ों में चलाओ, प्यार से चलाओ, देख के चलाओ। चलो सब कह दिया, मच्छर आराम से भाई आराम से। देखा तुम्हें अभी दिखाया ना, ये लड़का लड़की यहाँ आज की लड़ाते, ये आज की अड्डा है पूरा भाई, पूरा रोड ही आज की अड्डा है, बस अब थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा बस। ये ले लोग आ गए, लोग आ गए भाई, फुल बकचोदी लेते आ गए, पर अभी आ गया फुल डिफेंस एरिया। आवाज बंद कर दिए एक बार, कॉपीराइट पड़ जाएगा। अभी सीएम हाउस गया यहाँ से, हाँ राजभवन गया, मतलब वो दिल्ली का एरिया सा नहीं आता जहाँ मंत्री मंत्री रहते, ये वही है यहाँ का उत्तराखंड का। टैंक खड़ा था बढ़िया, हम तो टैंक पे सोचे फोटो खिंचवा ले, तू खिंचवाता नहीं? टैंक अंदर घुस जाता भाई, पाइप के अंदर ते जाता सीधा भाई। देखो एवरेज बढ़वा दे, एवरेज बढ़ा दी भाई लड़के ने, और बस चलाता लाया बजे से आगे, मैं तो सनरूफ से निकल रहा था बस भाई। राइट है 100 मीटर पर, 100 मीटर बाद राइट, फिर अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के क्लबिंग करेंगे आज सारे भाई। 17 मिनट गाइस, देहरादून सिटी आ लिए और आज ट्यूजडे, तो भाई सबसे पहला काम अपना मंदिर को जाने का, मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे, तुम भी कर लो दर्शन। अपनी गैल मारे मैसी भाई साथ है और बाकी सब गाड़ी में बैठे हैं, हम होटल पे रुके थे और जस्ट ऊपर से अभी नीचे आया भाई, कोई हमारी गाड़ी में स्क्रैच क्रूच मार गया, यहाँ पे भी मार रखे हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भाई, कोई स्टिकर को देख के गाड़ी को नुकसान करके गया। यहाँ पे पानी पूरी फेंक रखा है क्या, ये गुटका उटका थूक रखा है भाई ना, ये तो वो है शायद, क्या है ये पता नहीं, कुछ तो थूक रखा है भाई, ये गिरा है, ये देख ऊपर से गिरा है, चलो ऊपर से गिरा होगा, बट बाकी भाई ये जस्ट अभी के काम है, ये जो हुआ है ना, एक करंट का काम है, यहाँ तक भी है ये रहा। अरे यार भाई ऐसा क्या ही जलना है, क्या मतलब क्या ही दिक्कत है भाई लोगों को, शर्म ही नहीं है किसी तरीके की भी, कुछ नहीं हो सकता हमारा, तो क्या है हम तो फेर करवा लेंगे। अरे गाड़ी कर रखे है क्या भाई, हमारे फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो फेर करवा लेंगे, ये छपरी हरकतें मत करे करो, अच्छे नहीं लगते। कैमरा चेक करवाएंगे, कैमरा यहीं लग रहा है अपनी गाड़ी पे भाई, कैमरा कुमरा चेक करवाएंगे अभी एक बार, पहले गाड़ी खड़ी होने के बाद किसने क्या क्या करा, और जो हाथ आ गया ना आज बढ़िया मारेंगे उसको, ख़त्म सा कर देंगे यार, पहले बता दी भाई। गाइस बारिश का मौसम हो रहा है मस्त देहरादून के अंदर, और फिलहाल भाई मैं और मैसी भाई निकले थे क्लब ढूंढने, पर आपको पता है भाई ट्यूसडे है तो कोई क्लब वगैरह खुला नहीं रहता, ना किसी में क्राउड रहता, अगर खुला भी रहता है तो फिर क्या ही जाना, फ़ायदा ही क्या है बेफालतू में अपना टाइम पास करना। तो अभी हम जा रहे हैं अपने वापस रूम पे, होटल रूम पे अब जाएंगे, मस्त सोएंगे भाई, टाइम हो लिया, फिर अपना कल का कल बताऊंगा जो होएगा। और इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों चीज़ कर देना भाई, ठीक है, बाय बाय, मिलता हूँ आपको कल एक और नए ब्लॉग के साथ। अपना क्या है, हम तो बंदे ही हैं, मोड़ के जहाँ मिलेगा प्यार हम वहीं पे दिल